जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे विकास लाइफ केयर कंपनी के बारे में। विकास लाइफ केयर में पिछले एक माह से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और पिछले एक सप्ताह से तो यह स्टॉक अपर सर्किट में भी चल रहा है। तो जो लोग काफ़ी डरे हुए थे कि जहां से वो बाई किए थे वहां से प्राइस आधा हो गया था, उनके लिए तो राहत भरी खबर है। ये साथ में कोई नया इन्वेस्टर अगर इस कंपनी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए भी सुकून देने वाली खबर है। और भी तमाम अपडेट निकल कर सामने आए हैं तथा क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी कंपनी का आया है। इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हम जानते हैं कि विकास लाइफ केयर जो कंपनी है मल्टीपल बिजनेसों में कूदी हुई है। जैसे देखें तो ये केमिकल सेक्टर में, केमिकल में तो मुख्य रूप से कूदी हुई है। इसके अलावा हेल्थ केयर के बिजनेस में है, पॉलीमर और प्लास्टिक के कारोबार से जुड़ी हुई है और अब रियल एस्टेट के बिजनेस से भी कंपनी जुड़ने जा रही है। कुछ समय पहले मैंने बताया था कि विकास लाइफ केयर बड़े बड़े होटल बनाएगी। रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ होटल से नहीं होता, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेगी। इसके अलावा एग्रो प्रोडक्ट बनाने का भी कंपनी काम करती है और उस कंपनी का जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है इसी एग्रो प्रोडक्ट से आता है। अभी वर्तमान में इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए बढ़कर 740 करोड़ हो गया है। जब प्राइस काफ़ी नीचे चला गया था मार्केट कैप लगभग 600 करोड़ का हो गया था। अभी देखें तो 600 करोड़ से बढ़कर 740 करोड़ हो गया है, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और मार्केट कैप का बढ़ना या कम होना शेयर के प्राइस के बढ़ने या कम होने पर डिपेंड करता है। अभी अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस का बात करें तो 6 रुपये के आसपास है और कल इसमें 4.5% की तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि अभी स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है। अपर सर्किट में शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई नया व्यक्ति जब स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो तो बाई नहीं कर सकता है। जो लोग पहले से बाई किए हुए रहते हैं उनके लिए ये जरूर मज़ा देने वाला बात होता है। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो ये स्टॉक का प्राइस जब डाउन जा रहा था तो 3.65 रुपया तक डाउन होकर चला गया था और यहाँ पर जाकर इसने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ। तो अभी तक प्राइस कंटिन्यूस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बीच बीच में 2-3 जगह डाउन भी थोड़ा हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो उम्मीद है कि अभी अपने हाई तक पहुँच जाएगा, लेकिन क्या सच में ये एक ही अपर सर्किट में अपने हाई तक पहुँच जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं जनवरी में इसी साल 21 जनवरी को इसने अपना 8.15 रुपये का हाई बनाया था और चूंकि अभी अपर सर्किट में चल रहा है तो, और देखें ये अगर प्राइस देखें तो 6 रुपये से 8.25 रुपये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहुंच जाना चाहिए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही अपर सर्किट में यहाँ से उठकर 3.65 रुपये से प्राइस उठना शुरू हुआ है और यहाँ 60.15 रुपये तक पहुँच जाए, चूँकि पेनी स्टॉक है इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर अभी आप देखेंगे तो ये स्टॉक का प्राइस अपने रेजिस्टेंस पर जाकर ठहरा हुआ है और रेजिस्टेंस पर ऑलरेडी अभी इसके 2 पड़ाव पार करने हैं। पहला है 6.05 रुपये, दूसरा है 6.15 रुपये। अगर मंडे के दिन स्टॉक अपर सर्किट में रहा तो इजीली इसको पार कर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक जगह और इसको 2 पड़ाव पार करने होंगे। पहला है 7 रुपया, दूसरा है 7.05 रुपये। इस दो पड़ाव को पार करने के बाद ही स्टॉक अपने हाई तक या इसके ऊपर जा पाएगा। अगर इसके पहले स्टॉक का प्राइस डाउन होना शुरू हो जाता है तब फिर दोबारा जब अपर सर्किट लगेगा तब जाकर अपने हाई को ब्रेक कर पाएगा। इसलिए अगर जो लोग काफ़ी जरूरत का रुपये से स्टॉक में लगा दिए थे और लॉस में चल रहे थे वो अगर अब निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। अगर जरूरत का रुपये नहीं लगाए हैं तो कंपनी बढ़िया है, इसमें समय दिया जा सकता है, आप बेहतर अच्छा समय दीजिए। इसका प्राइस इस हाई से भी काफ़ी ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अगर सपोर्ट लेवल की बात करें वैसे तो प्राइस अभी ऊपर ही जाएगा, फिर भी जान जाइए पहला सपोर्ट लेवल है 5.05 रुपये का। इस यहाँ तक आने के बाद फिर से दोबारा अपर सर्किट लगेगा और प्राइस ऊपर ही जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नया अपडेट यह है कि कंपनी ने 75% स्टेक एक्वायर किया है जेनेसिस गैस सॉल्यूशन का, क्योंकि आपको पता है कंपनी मल्टीपल बिजनेसों में कूदी हुई है और लगातार ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो इसलिए इसने एक नया काम किया है, जेनेसिस गैस में अपना एक्विजिशन बढ़ाया है और क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वार्टर फोर के नतीजे कैसे आए हैं। यहाँ समझेंगे, क्वार्टर फोर में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है, क्वार्टर थ्री में इसका रेवेन्यू था 107 करोड़ का जो क्वार्टर फोर में कम होकर आ गया 97 करोड़ का। रेवेन्यू कुछ ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। देखिए क्वार्टर थ्री में इस कंपनी को 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था जो क्वार्टर फोर में बढ़कर 22 करोड़ का हो गया, मतलब शानदार प्रॉफिट गेन हुआ है इस क्वार्टर फोर के रिजल्ट में। अब अगर बात करें ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, देखिए अर्निंग पर शेयर एक साल में एक शेयर पर कितना रुपया या कितना पैसा बढ़ा उसको बतलाता है। क्वार्टर थ्री में यह था 0.03 पैसा जो क्वार्टर फोर में बढ़कर हो गया 0.20 पैसा और ये ऑलमोस्ट अभी तक देखेंगे तो हाई है, क्योंकि पिछले कई साल के क्वार्टर में इसका अर्निंग पर शेयर 0.20 तक नहीं पहुंचा था। और इसके अलावा आपको पता है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स भी हैं अच्छे खासे मात्रा में, लगभग 14% के आसपास हैं। और इसके अलावा सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस स्टॉक में विदेशी निवेशक की भी हिस्सेदारी है जिसको FII कहते हैं और ये अपना स्टेक बढ़ाया है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। देखिए पहले था ये 0.01%, अभी बढ़ाकर इन लोगों ने अपना स्टेक 0.03% कर लिया। इसका मतलब जो विदेशी निवेशक हैं इस कंपनी में कुछ अच्छा देख रहे हैं इसलिए अपना निवेश इसमें बढ़ा रहे हैं।
और बाकी पब्लिक की तो हिस्सेदारी इसमें है ही 85% 6% के आसपास। इसलिए अगर आपका भी इस कंपनी में स्टेक है या नहीं भी है, आप लेना चाह रहे हैं तो बेशक लीजिए, लेकिन आपका नज़रिया लंबी अवधि का होना चाहिए। विकास लाइफ केयर जिस तरह के बिजनेसों में कूदा हुआ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, हालांकि शेयर में तेजी आना शुरू हो गया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। मन में कोई सवाल है या कन्फ्यूजन है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।